हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए आगामी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। आप लोग सारे विदित हो, हमारे प्रदेश के युवा साथियों, हमारे भाइयों और बहनों की, हमारे प्रदेश को नया मुखिया जो है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मिल चुका है। अब वहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार बीते दिन हो चुका है, यानी किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, आगामी एग्जाम के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानने वाले हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला और आगामी एग्जाम जो हमारे यूकेएसएससी के आएंगे उनमें क्या कौन से विभाग से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों हर बार आपको देखा होगा कि यह विभाग किसके अंडर पे है ये पूछा जाता है, तो हमें वो चीज़ें याद रखनी है। तो इंपोर्टेंट विभाग हैं वो हमें याद रखने हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं साथियों। तो पहला है पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री, नए मुखिया बने हैं प्रदेश के, उनने अपने अंडर पे कौन से विभाग रखे हैं, मंत्रिपरिषद रखा है, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाएं एवं संस्था विस्तार कार्य रखा है, सतर्कता सुरक्षा सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा रखा है, गृह कारागार नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण रखा है, राजस्व संपत्ति राजस्व न्याय सुरक्षा तकनीकी शिक्षा और नागरिक उड्डयन वित्त वाणिज्य कर स्टाम्प और निवेदन नियोजन है। तो साथ ही इनमें से आपके लिए जो मेन है, आपको हो सकता है कि गृह मंत्री कौन है हमारे, तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो भी कहाँ के, उत्तराखंड के, वहाँ के नहीं साथियों। राजस्व संपत्ति मंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। न्याय मंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। सूचना मंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। और भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा मंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। यही आपके विभाग जो है एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो है सचिवालय सुरक्षा, तो सचिवालय प्रशासन मंत्री भी कौन है हमारे, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो औद्योगिक विकास यानी खनन मंत्री कौन है आ जाएगा, तो वो भी पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो आपको याद रखना है कि नए मुख्यमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में कौन से विभाग रखे हुए हैं और एग्जाम दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ बता दिए। अगला आता है कि श्री सतपाल महाराज, तो श्री सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में कौन से विभाग है साथियों, इसमें से इम्पोर्टेंट जो है लोक निर्माण विभाग मंत्री और संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री, पर्यटन मंत्री और भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री और लघु सिंचाई मंत्री और सिंचाई मंत्री कौन आएगा, तो आपको याद रखना है श्री सतपाल महाराज। तो इन प्रश्नों को आपको जरूर नोट डाउन करना है क्योंकि यहां से एग्जाम में बनता है। तो सिंचाई मंत्री आता है तो श्री सतपाल महाराज, लघु सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज है, और आता है इसमें से संस्कृत मंत्री कौन है हमारे उत्तराखंड के, श्री सतपाल महाराज है, लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सतपाल महाराज है इसमें से, और पर्यटन मंत्री कौन है श्री सतपाल महाराज। तीसरे मंत्री की ओर आपको ले चलते हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को वही पिछली बार की तरह वन विभाग मिला हुआ है। वन मंत्री कौन आता है, डॉक्टर हरक सिंह रावत। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री कौन है, हरक सिंह रावत। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, और इसमें से श्रम मंत्री आता है तो वो भी डॉक्टर हरक सिंह रावत है। इतने ही आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौथा आता है श्री वंशीधर भगत जी को कौन सा मिला है, शहरी विकास मंत्री श्री वंशीधर भगत, आवास मंत्री श्री वंशीधर भगत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड का सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री आता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना श्री वंशीधर भगत। शहरी विकास मंत्री कौन है, श्री वंशीधर भगत। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का एक मंत्री गठित होता है, उसका मंत्री भी श्री वंशीधर भगत है। तो हर मंत्री का विभाग आपको एक दो चीज़ें उसमें याद रखनी है क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में। पांचवा मंत्री हमारे उत्तराखंड का बन गया यशपाल आर्य से संबंधित, आबकारी मंत्री कौन आता है, तो यशपाल आर्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वाचन मंत्री यशपाल आर्य, और समाज कल्याण मंत्री आता है यशपाल आर्य, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य। तो यशपाल आर्य से संबंधित आपको चार फैक्ट याद रखने हैं। हमारे प्रदेश का नया परिवहन मंत्री आता है तो आपको याद रखना श्री यशपाल आर्य, और निर्वाचन और आबकारी मंत्री आता है तो वो भी यशपाल आर्य जी हैं, और अल्पसंख्यक और समाज कल्याण मंत्री श्री यशपाल आर्य। इनमें से जो वहाँ पे पूछ सकता है, परिवहन मंत्री पूछ सकता है, आबकारी मंत्री पूछ सकता है, तो ये दो तीन मंत्री से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। छठा है बिशन सिंह चुफाल जी को पहले की तरह वही पेयजल मंत्री मिले हैं, और पेयजल मंत्रालय मिला है। पेयजल मंत्री कौन आता है, तो श्री बिशन सिंह चुफाल। ग्रामीण निर्माण और जनगणना मंत्री भी कौन है, बिशन सिंह चुफाल, और वर्षा जल संग्रहण मंत्री भी बिशन सिंह चुफाल है। तो आपको याद रखना इसमें से क्या पूछ सकता है कि श्री बिशन सिंह चुफाल भी क्या है, पेयजल मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अगला मंत्री की ओर आपको ले चलते हैं, श्री सुबोध उनियाल जी को वही कृषि से संबंधित मिला है। कृषि मंत्री आता है तो श्री सुबोध उनियाल, कृषि शिक्षा मंत्री आता है श्री सुबोध उनियाल, रेशम विकास और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री आता है वो भी
सुबोध उनियाल, यानी कृषि से संबंधित जो भी विभाग है वो किसको मिले हैं, श्री सुबोध उनियाल को मिले हैं। एग्जाम में आपका जो पूछा जा सकता है, अभी हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना होगा सुबोध उनियाल। आठवां मंत्री हमारा हो गया श्री अरविंद पांडे। अरविंद पांडे को शिक्षा मंत्री का वही पिछले वाला ही मिला है, यानी विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक मंत्री और खेल मंत्रालय इनको भी मिला है, यानी खेल मंत्री हमारे उत्तराखंड के कौन आएगा, तो श्री अरविंद पांडे। और पंचायती राज मंत्री आता है, ये इंपॉर्टेंट है साथी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पता है पंचायती राज मंत्री हमारे उत्तराखंड का कौन है, श्री अरविंद पांडे। और संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है, अरविंद पांडे। तो अरविंद पांडे से संबंधित आपको तीन चार फैक्ट याद रखने हैं कि ये खेल मंत्री हमारे उत्तराखंड के, भी पंचायती राज मंत्री हैं और संस्कृत शिक्षा और युवा कल्याण मंत्री हैं। तो ये चीज आपको जरूर नोट डाउन करनी है और याद भी करनी है। नवा मंत्री हमारा हो गया श्री गणेश जोशी। श्री गणेश जोशी को मिला है सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास, लघु एवं सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग। इसमें से आपको जो इंपोर्टेंट है वो ही खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री। तो उत्तराखंड का खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है, श्री गणेश जोशी, आपको याद रखना होगा। अगला आता है क्योंकि डॉक्टर धन सिंह रावत जी को पहले तीरथ जी के कार्यकाल में स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला हुआ था, रेखा आर्या जी और धन सिंह रावत जी को। अब जो है इनको कैबिनेट में जगह मिल गई, यानी परमानेंट कैबिनेट मंत्री इनको बना दिया गया, पहले स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। तो अब इनको कौन सा विभाग मिला है, सहकारिता, प्रोटोकॉल मंत्री, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास मंत्री, उच्च शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। तो आपको धन सिंह रावत जी से संबंधित तीन चार फैक्टर याद रखने होंगे। हमारे उत्तराखंड का सहकारी मंत्री कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत। प्रोटोकॉल मंत्री कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत। 11वां मंत्री हो गए हमारी श्रीमती रेखा आर्या जी। श्रीमती रेखा आर्या जी को वही महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय दिया है और दुग्ध विकास और मत्स्य पालन और पशुपालन वही विभाग आवंटन किया गया है। तो इनमें से इंपोर्टेंट जो है अभी हमारे प्रदेश की महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री कौन है, रेखा आर्या जी हैं। दुग्ध विकास मंत्री कौन है, श्रीमती रेखा आर्या जी हैं। और पशुपालन मंत्री कौन है, रेखा आर्या जी हैं। अंतिम जो हमारा मंत्री है श्री यतीश्वरानंद को जो विभाग मिला है, भाषा से संबंधित विभाग मिला है, यानी भाषा मंत्री कौन है हमारे उत्तराखंड के, श्री यतीश्वरानंद। पुनर्गठन मंत्री कौन है, श्री यतीश्वरानंद। और ग्राम्य विकास, ये आपको याद रखना, पंचायती विभाग अलग है और ग्राम्य विकास अलग है। तो ग्राम्य विकास मंत्री कौन है, श्री यतीश्वरानंद। तो आपको ये मंत्रालय और इनके जो जो पोर्टफोलियो है वो जरूर ध्यान रखने हैं साथियों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है। यदि कोई किसी को ये पर्सनली चाहिए, ये पूरा जो जानकारी है इसको आप हमारे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। 7500627992 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऑन व्हाट्सएप में है, तो आप यहाँ से इसका पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों को यह जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नए हो तो हमारे चैनल को इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए।